हेलो दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ओके? तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसके बाद हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके? तो आर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, आर इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ एल अपॉन ए, याद है क्या जी? ओके, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाऊ एल बाई ए। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड एल बाई ए, ओके? तो यहाँ से हमने बोला था कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, लेट वन एंड टू, तो आपको क्या मिल जाएगा? वी विल गेट एल बाई ए। इसको हटाइए, एक नियतांक लगाइए, दैट इज कॉन्स्टेंट अप्लाई करिए, दैट इज रो एल अपॉन ए। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इट मीन्स रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। देखो, ये जो है किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। अभी देखेंगे कि क्या होता है, देखेंगे कि क्या होता है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो का जो एक फॉर्मूला है डेट इज आर ए अपॉन एल। पहले आप ये याद रखिए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस तक तो ठीक था, अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये सॉरी सर, ये रेजिस्टेंस तक तो ठीक था, अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये किस टाइप का स्पेशल रेजिस्टेंस है? थोड़ा सा स्पेशल है, देखते हैं क्या है। तो रेजिस्टेंस ही बच्चा है, तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन देखते हैं। देखिए, रो का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ध्यान दीजिएगा, अगर एल इज इक्वल टू वन मीटर हो, इफ़ एल इज इक्वल टू वन मीटर एंड मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को भी ले लिया वन मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी वन क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है दोस्त, एल इज इक्वल टू वन मीटर, एरिया इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम विल बी वन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एल इज इक्वल टू वन रख दूँ, एरिया इज इक्वल टू वन रख दूँ, तब तो रो आर के इक्वल ही हो जाता है। यानी कि रो क्या है? रो है तो रेजिस्टेंस ही भाई, रो है तो रेजिस्टेंस ही। लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है? क्या सभी रेजिस्टेंस को क्या आप रो बोल दोगे? अगर सभी रेजिस्टेंस को अगर आप रो ही बोल दोगे, तो फिर उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगा? तो कुछ तो अलग है। सो क्या बोला है, व्हेन एल इज इक्वल टू वन मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज वन मीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस है उसको बोलोगे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उस केस में जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चलिए, मेरे पास ये रहा एक वन मीटर का कंडक्टर और ये रहा मेरे पास वन मीटर स्क्वायर वाले उसके दो फेस। ठीक है, ओके, वन मीटर स्क्वायर का ये, वन मीटर स्क्वायर का ये, एंड डिस्टेंस इज दैट इज लेंथ इज वन मीटर। तो ये एक्चुअली में क्या बन गया है? ये क्यूब बन गया है, ये क्यूब बन गया है, ओके? तो क्या हो जाएगा, किसी भी सब्सटेंस के क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या हुआ ये? देखो यार, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास कॉपर है, आपके पास स्टील है, तो आप उस मटेरियल का एक क्यूब लीजिए। क्यूब मीन्स लेंथ लीजिए वन मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिए वन मीटर स्क्वायर का, लेंथ लीजिए वन मीटर का और क्रॉस सेक्शन लीजिए वन मीटर स्क्वायर का, तब वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट विल बी द
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस इट इज द प्रॉपर्टी. अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी. ओके तो किसी भी सब्सटेंस के 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है दैट रेजिस्टेंस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. वी कैन ऑल्सो डिफाइन दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन सम अदर वे. जैसे कि चलिए मान लीजिए क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R. इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस. न्यूमेरिकली तो रेजिस्टेंस इक्वल ही है. ओके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाई द 1 meter लेंथ ऑफ द कंडक्टर. 1 meter लेंथ ऑफ द कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 meter square. 1 meter square तो एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका कि लेंथ 1 meter है, जिसका कि लेंथ 1 meter है और जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 meter square है, इसमें जितना रेजिस्टेंस होगा यही इस सब्सटेंस का होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रो. अब देखिए एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं. एसआई यूनिट क्या होगा यार? एसआई यूनिट रो के लिए इसके लिए तो ओम होगा, इसके लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसके लिए मीटर हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यानी रो के लिए हो जाएगा ओम मीटर. ओम 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 मीटर. रो की यूनिट होती है ओम मीटर. ओके तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी. ओके ठीक है सर. ओके ठीक है. अब देखिए ये जो रो है इस रो का इनवर्स दैट इज नोन एज सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ. वेयर सिग्मा इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. वेयर सिग्मा इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. और इसी को आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो. कंडक्टिविटी भी यही है और रेजिस्टिविटी ये है, इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं. रेजिस्टिविटी भी ये इसी को बोलता जाता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस. क्लियर? यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा 1/ohm meter या फिर इसको बोल सकते हैं आप ओम का इनवर्स मीटर का इनवर्स. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को आप मोह बोलते हो तो मोह पर मीटर भी हो जाएगा. ये है यूनिट 1/ohm meter. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स डिवाइड नहीं है ना दोस्त, ये डिवाइड नहीं है. ओम इनवर्स मीन्स मोह और मीटर इनवर्स 1/ ओके ओके. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको आप बोलते हो क्या? उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. नंबर 1 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर 1 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो चलिए देखते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है. चलो आपके पास लेट आई हैव और यू हैव R1, R2 एंड R3. आपके पास जो है R1, R2 और R3 जो है रेजिस्टेंस है. R1, R2 एंड R3 ज़्यादा भी हो सकता है. अभी मान लो कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है. R1, R2 और R3 नामक 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है. तो देखिए ये रहा, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस. ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब का जो है एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से, देखो फर्स्ट टर्मिनल जो है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा और जो सेकेंड टर्मिनल है
डेट विल बी ज्वाइन टू द अनदर कॉमन पॉइंट. क्लियर है ये? दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सबके एक टर्मिनल को एक पॉइंट से और दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाता है और लगा दिया जाता है इनके क्रॉस में एक बैटरी. ओके, डन. सो दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री. ओके ओके ओके. तो मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, तो देखो ये करंट आई जो है डैट विल बी डिवाइड हियर इन थ्री पार्ट्स, आई वन, आई टू एंड आई थ्री. बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम, दैट इज वी. ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. क्या बोला है मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होगा. क्योंकि देखो आठ रहा है करंट, लेकिन डैट करंट विल बी डिवाइडेड हियर, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आई वन, आई टू और आई थ्री में. आई वन जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस में जो है वो करंट अलग अलग हो सकता है, जो इन्हें कि अलग ही होगा, सेम भी हो सकता है लेकिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम. पैरेलल के केस में सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है. पैरेलल के केस में सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा. ओके, करंट अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए देखो अब क्या होता है, इसमें करना क्या होता है, अब मैं चाहता हूं कि इस सभी रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि मेरे पास 11 प्लेयर हैं और मैं उन 11 प्लेयर को हटा के एक सिंगल प्लेयर खिलाना है जो उन सबके इक्वल काम करे. ओके, तो हो जाएगा उन सबके इक्विवेलेंट प्लेयर. ओके, इक्विवेलेंट प्लेयर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो ये आर वन, आर टू, आर थ्री, इन सब रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट करना है, डैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे उसको. तो ये मान लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं, ऐसा 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 हो जाएगा. दिस इज आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज द आई, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस में है उतना पोटेंशियल डिफरेंस इस आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी होगा. तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होता है, याद रखिए, ये होता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या है ये The reciprocal of the equivalent resistance is equal to the reciprocal of the individual resistances. जितने भी resistance हैं, जितना भी प्रतिरोध है आपके पास, उन सब के reciprocals को अगर आप सम करोगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, याद रखना, आर इक्विवेलेंट नहीं मिला है. वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है. ये है इसका फॉर्मूला, और देख लीजिए ऐसा मिलेगा आपको देखने को. पहचानना बहुत जरूरी है. पहचानना कैसे पहचानोगे, देखो रेजिस्टेंस जितने भी होंगे अगर उनका एक पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट से है, ज्वाइन है. क्या बोला है मैंने, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, एक दो चार दस पंद्रह जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, अगर उनका एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है और दूसरा टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलोगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट अलग अलग हो सकता है. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है. ये रहा पहला वाला रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा वाला रेजिस्टेंस और ये वाला तीसरा वाला रेजिस्टेंस. क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड वाले के पहले टर्मिनल से जोड़ देना है. ओके, पहले रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के
पहले टर्मिनल से जोड़ लेना है। अब क्या करेंगे, सेकेंड जो रेजिस्टेंस है उसके सेकेंड टर्मिनल को थर्ड रेजिस्टेंस के पहले वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे और यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। ओके, यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और जो लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल के बीच में आप लगा दोगे अपना बैटरी। ये रहा आपका बैटरी, प्लस माइनस क्लियर है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा, याद रखिए। आप सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग सेम हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन करेंट मस्ट बी सेम, करेंट जो है वो सभी रेजिस्टेंस में आई है, इसके लिए भी आई है, इसके लिए भी आई है और इसके लिए भी आई है, साला बस मेरे लिए नहीं आई है, वो वाली आई नहीं है। तो ठीक है, तो ये आई जो है वो R1, R2 और R3, करेंट इसमें सेम होता है। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो उन सभी रेजिस्टेंस में करेंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। ओके, इसके लिए जो इक्विवेलेंट है वही करना है, सबको हटा के एक रेजिस्टेंस रखना है। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड किया है, ज्वाइन किया है, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ओके। सो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है। और याद रखना है कि यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग ही फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होगा, और यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, लेकिन सब में करंट सेम ही फ्लो होगा, ठीक है। चलिए कुछ आसान आंकिक प्रश्न को किया जाए। रेजिस्टेंस, और ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक रेजिस्टेंस, चलो ये रहा एक रेजिस्टेंस, 2 ओम, ये है ए टर्मिनल, ये है बी टर्मिनल। तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मींस क्या करना है, इस सभी रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल ऐसा ये डायग्राम लेके आना है आपको। तो बताइए कि ये कितना होगा, यही है आर इक्विवेलेंट, देखते हैं क्या होगा। ये एक रेजिस्टेंस है, इसका टर्मिनल यहाँ पे आया हुआ है, इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल भी यहाँ पे गया हुआ है, यानी दोनों एक पॉइंट से है। सेकंड टर्मिनल यहाँ पे गया हुआ है, इसका भी सेकंड टर्मिनल यहाँ पे गया हुआ है, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट, तो 1/2 + 1/2 आएगा, और ये 1/ जो भी मान लो R' ले लेता हूँ मैं, क्योंकि फाइनल तो नहीं है, ये इंटरमीडिएट आएगा। तो 1/2 + 1/2 ये आ जाएगा 1/R' इज इक्वल टू 2 LCM, 1 + 1 = 2, 2 कैंसिल, यानी R' इक्वल टू आ गया 1। यानी इन दोनों को हटा के आप क्या रखोगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस रखोगे। इन दोनों को हटा के आप 1 ओम का रेजिस्टेंस रखोगे, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ओम ओम ओम। दिस इज ए, दिस इज बी, तो 2 + 1 + 2 सीरीज में है ना भाई, देखो कैसे सीरीज में है। इस वाले रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल इसके पहले से जुड़ा है, इसका सेकंड इसके पहले से जुड़ा है, और इसका सेकंड इसके उधर तो है ही नहीं, सॉरी उधर तो है ही नहीं। तो 2 + 1 + 2 कितना आ गया, 2 × 4 = 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम हियर। यानी इन सबको हटा के अगर मैं एक 5 ओम का रेजिस्टेंस रख दूँ तो भी वो उतना ही काम करेगा जितना कि ये सब मिलके करते हैं। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए और सॉल्व करें, और सॉल्व करते हैं।
चलिए इसको सॉल्व करिए आप। चलिए बताइए इस ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो वो हम इसको तीन ले लेते हैं। ओम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जी आप इसको, चलो देखते हैं। देखो ये है कि रेजिस्टेंस इसका सेकंड टर्मिनल इस वाले के पहले से ऐड है ना। इसका सेकंड टर्मिनल इसके पहले जुड़ा है, यानी दोनों किस में है, ये दोनों तो हो गए सर सीरीज में हो गए। तो इसके लिए तीन प्लस तीन छः हो जाएगा। तो ऐसे आगे ठीक है, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये है ए, ये है बी, तीन प्लस तीन छः, और ये हो गया तीन। अब देखो इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल यहाँ पे है, इसका सेकंड यहाँ पे है, यानी ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/R = 1/6 + 1/3। तो 1/R = 1/6, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 एक कम 3 दूनी 6, तो R = आ जाएगा 6/3, 3 एक कम 3 दूनी 6, यानी कि 2 ओम आ जाएगा। यानी कि आपको ए और बी के बीच में कितना 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 × 6 और 2 × 1 = 2, तो 3 × 6 ओके ठीक है। नेक्स्ट और ऐसे चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और कैसे दे दूं मैं आपको, चलो ये रहा आपका ठीक है, चलो ये एक रहा एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, चलो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। चलिए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए जी ए और बी यही टर्मिनल्स हैं, इसको आप कहीं और लेके जाना। देखो इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का, देखो इस रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल इसके पहले जुड़ा है, इसका इस वाले रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल इसके पहले जुड़ा है, यानी 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, दे विल बी 4, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दे विल बी 4। ऐसे ये भी है 2 + 2, ये भी क्या हो जाएगा, इट विल बी 4, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसका यहाँ पे, इसका टर्मिनल भी यहाँ पे है, इसका टर्मिनल भी यहाँ पे है, सेकंड टर्मिनल यहाँ पे है, यानी ये किस में है, ये पैरेलल में है। तो 1/4 + 1/2 + 1/4 ये हो जाएगा 1/R = 1/R = एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 × 4 और 2 × 4 और 4 × 4 तो 2 × 1 = 3 और 1 = 4 आ गया, यानी कि R = 1 ओम आ गया। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।